केजरीवाल दे जेल अंदरों सरकार चलाउण ते देश अंदर खूब बवाल हो रहा है। भाजपा सख्त एतराज दिखा रही है। दलील दे रही है कि जिवें गैंगस्टर ते फिरौती मंगण वाले जेल चो गैंग्स चलाउंदे ने, उवें ही केजरीवाल सीएम ऑफिस चलाउणा चाहुंदे ने। दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दे नाल नाल भाजपा भी अज विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा दा कहना है कि ओह अजिहा इस लई कर रहे ने तां जो शराब घोटाले तो ध्यान भटका सकण। सिरसा दा कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी दी हिरासत तो ड्रामा कर रहे ने। उन्हां ने केजरीवाल वल्लों जारी पहले नोटिस के खिलाफ एलजी ते ईडी दे डायरेक्टर नूं लिखती शिकायत दित्ती होई है कि जो पहला झूठा पत्र तैयार किया गया सी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिरसा दलील ये भी दे रहे ने कि अरविंद केजरीवाल वर्गा भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, उन्हां नूं अस्तीफा देना ही पवेगा। देखिए, शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कभी कहते हैं आज एक ऑर्डर आ गया, फिर कहते हैं दूसरा ऑर्डर आ गया। 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, 9 साल तक तो उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। अब जल मंत्री को नहीं पता कि दिल्ली के अंदर सूवेज और जल की प्रॉब्लम है। हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि दवाइयों की प्रॉब्लम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ईडी कस्टडी में है वो नौटंकी कर रहे हैं। मैंने आज एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, ईडी डायरेक्टर को कंप्लेंट दी है कि जो फोर्ज लेटर उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसके ऊपर इन पे कार्रवाई हो। और आज जो ऑर्डर कहा जो भारद्वाज जी ने, आज उन्हें ऑर्डर नहीं दिखाया, वो समझ गए कि वो नकली ऑर्डर बना बैठे हैं, उसमें जेल जाएंगे। ये प्रोटेस्ट जो आज वो कर रहे हैं, लोगों का शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हम दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं ये अरविंद केजरीवाल वही हैं जो कहते थे मुख्यमंत्री की कुर्सी में अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। आज जूता भी नहीं है और नोक भी नहीं है। और अब कहते हैं कि जो क्रिमिनल जेल के अंदर जैसे गैंग ऑपरेट करते हैं, जैसे एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग ऑपरेट करते हैं जेल से, कहते मैं ऐसे मुख्यमंत्री का दफ्तर ऑपरेट करूंगा। आपकी क्या डरे क्यों हुए हो? क्या आपको ये डर है कि आपकी चोरियां पकड़ी गई या बाहर नहीं आएंगे? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट करप्ट शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पे रिजाइन देना होगा।